माँ माँ मेरा तबीयत खराब कर रहा है माँ, देह हाथ में काफी दर्द हो रहा है माँ। अरे चिंता मत कर चिंटू, पापा जाएंगे तो दवाई लेके आएंगे, फिर तू दवाई खा के एकदम से ठीक हो जाएगा। वैसे भी कल गणेश जी की पूजा है ना, तो हम लोग सबको मिलकर गणेश जी की पूजा करेंगे धूमधाम से। चिंटू की काफी तबीयत खराब थी, जिस कारण उसकी माँ ममता काफी परेशान थी। सुबह का वक्त हो रहा था, चिंटू के पापा मोहन काम पे जा रहे थे, तभी चिंटू की माँ ममता मोहन से कहती है, जी सुनिए ना, चिंटू की बहुत तबीयत खराब है, आज घर आते समय चिंटू के लिए दवाई लेके आइएगा ना। हाँ हाँ ठीक है, लेके आऊँगा, लेकिन मुझे उतना पैसा कहाँ मिलता है कि मैं उसके लिए दवाई भी लेके आऊँ और घर का सामान भी। लेकिन कोशिश करता हूँ आज कुछ ज्यादा मेहनत करने की, कुछ और काम मिल जाए तो मैं चिंटू के लिए दवाई भी लेके आऊँगा और गणेश जी का मूर्ति भी लेके आऊँगा। वैसे भी कल गणेश पूजा है ना। ये कहते हुए चिंटू के पापा मोहन काम पे चले जाते हैं और इधर चिंटू की माँ चिंटू के पास बैठ जाती है। हे गणेश जी, कल आपकी पूजा है और मेरा बेटा चिंटू आज बीमार है, उसे ठीक कर दीजिए ना गणेश जी, कल हम लोग सबको मिलकर आपकी पूजा करेंगे। सुबह सुबह मोहन घर से निकल तो जाता है और बाजार भी आ जाता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल पाता है। तभी मोहन एक आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे भाई साहब यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? अरे यहाँ कहाँ काम मिलेगा, बाजार में जाके किसी दुकान में काम करना पड़ेगा, जाके पूछो। मोहन थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि अभी तक उसे कोई काम नहीं मिली थी, उसका बच्चा बीमार था, उसके लिए दवाई भी लेके जाना था। अरे अब मैं क्या करूँ, कोई काम नहीं मिल रहा है, बच्चे के लिए दवाई भी लेके जानी है, चलो आगे देखते हैं। फिर मोहन काम की तलाश में आगे बढ़ जाता है। शेठ लाला चावल का व्यापार किया करते थे, वो गांव से चावल खरीद कर शहर में जाकर बेचा करते थे, काफी मुनाफा हुए। आज सेठ जी ने चावल तो खरीद लिए हैं काफी बोरी, लेकिन उसे गाड़ी में चढ़ाने के लिए कोई मजदूर नहीं मिल रहा था, जिस कारण सेठ जी काफी परेशान हो रहे थे। अरे क्या मनोज, कैसे काम करते हो, अभी कोई मजदूर नहीं मिलेगा तो चावल मेरा शहर नहीं पहुंचेगा, मुझे कितना नुकसान होगा, अब कहो तो, अब जाओ कहीं से कोई मजदूर लेके आओ। ठीक है सेठ जी, मैं देखता हूँ कोई मजदूर को। मनोज वहाँ से मजदूर ढूंढने के लिए चला जाता है, तभी वहाँ पर मोहन पहुँचता है। मोहन सेठ जी को देखकर सेठ जी के पास जाता है और कहता है, अरे सेठ जी कोई काम है क्या मेरे लायक? सेठ जी मोहन को देखकर खुश हो जाते हैं। अरे है ना काम तुम्हारे लायक, देखो ये बोरियां हैं चावल की, बस इसे इस गाड़ी में रख दो, इतना सा काम है, अच्छी मजदूरी भी मिल जाएगी तुम्हें। कितना दीजिएगा सेठ जी? 200 रुपये मजदूर ले लेना। ये सुनकर मोहन काफी खुश हो जाता है। ठीक है सेठ जी, मैं अभी बोरियां आपके गाड़ी में चढ़ा देता हूँ। फिर मोहन काम पे लग जाता है, जाता है बोरियां लेने के लिए, बोरियां काफी भारी थी। ऐसे ही मोहन काफी मेहनत करके कुछ बोरियों को गाड़ी के ऊपर रखता है और वो थक जाता है। अरे क्या हो गया, थोड़ा जल्दी करो। हाँ हाँ सेठ जी अभी कर देता हूँ। फिर मोहन काम पे लग जाता है और बाकी बोरियों को भी एक एक करके गाड़ी में चढ़ा देता है। सेठ जी खुश हो जाते हैं और खुश होकर मोहन को 200 रुपये मजदूरी दे देते हैं। मोहन वो पैसे पाकर मोहन भी खुश हो जाता है और मनी मन सोचने लगता है, अरे इन पैसों से 100 रुपये से मैं बच्चे के लिए दवाई ले लूंगा और 100 रुपये से गणपति पापा का मूर्ति और कुछ सामान भी लेके चल जाऊंगा, कल गए से भी गणपति पापा का पूजा जो है। मोहन पैसे पाकर घर की ओर जा रहा था खुशी खुशी, तभी सामने में एक बुजुर्ग इंसान दिखता है मोहन को, जो कि वहाँ गिरा पड़ा था और काफी तकलीफ में भी था। अरे मेरी कोई मदद करो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। मोहन उस बुजुर्ग इंसान को देखकर और रहा नहीं जाता है, वो उसके पास पहुँचता है। अरे बाबा आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। अच्छा ठीक है, आप यहीं पे रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाना लेके आता हूँ। फिर मोहन वहाँ से जाता है और कुछ खाना लेकर उसके पास वापस पहुँचता है। अरे बाबा ये लीजिए, ये ब्रेड खा लीजिए, आपका पेट भर जाएगा। अरे बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया,
अरे बाबा आपको चोट भी लगी है, चलिए मैं आपको दवाई दिला देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, वो चोट तो अपने ठीक हो जाएगा, बस पेट की भूख मिट गई, यही बहुत है। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ चलिए मैं आपको दवाई दिला देता हूँ। फिर मोहन उस बुजुर्ग इंसान को अपने साथ लेके जाता है। मोहन उस बुजुर्ग इंसान को एक फार्मेसी लेके आता है। बोलिए कौन सा दवाई चाहिए आप लोगों को? हमें कोई दवाई नहीं चाहिए, आप देखिए ना इन बाबा को थोड़ी सी चोट लग गई है, आप इनको थोड़ा सा दवाई वगैरह लगा के ठीक कर दीजिए। हाँ हाँ अभी कर देता हूँ। फिर वो फार्मेसी वाले उस बुजुर्ग इंसान को दवाई वगैरह लगा कर ठीक कर देते हैं। अरे बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, कहाँ से तुम फरिश्ता हो के मेरे पास आए और मेरी इतनी मदद कर दी। अरे कोई बात नहीं है बाबा, ये तो मेरा फर्ज था, आप सामने दिख गए तो आपकी मदद कर दी। तभी वो बुजुर्ग इंसान अपने पॉकेट से एक अंगूठी निकालता है और मोहन को देते हुए कहता है, अरे बेटा तुम्हें देने के लिए तो और कुछ नहीं है, बस ये अंगूठी रख लो, ये तुम्हें बहुत काम आएगी तुम्हारी। अरे बाबा मैं इस अंगूठी का क्या करूँगा? अरे रख लो बेटा, तोहफा समझ कर ही रख लो। मोहन घर की ओर लौट रहा था तभी वो देखता है कि एक बच्ची गणेश जी की मूर्तियाँ बेच रही थी। मूर्ति ले लो मूर्ति, गणेश जी की अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं, ले लो। मोहन उस बच्ची के पास जाता है। मूर्ति ले लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ हैं, देखिए। हाँ हाँ तुम्हारे पास बहुत अच्छी मूर्तियाँ हैं, मुझे एक मूर्ति दे दो। और कितने की थी एक मूर्ति? एक मूर्ति के 50 रुपये। मोहन अपने जेब में हाथ डाल कर देखता है तो उसके पास सिर्फ 50 रुपये ही बचे हुए थे। वो पैसे दे देता है उस बच्ची को और एक मूर्ति लेकर वहाँ से चल जाता है घर की ओर। शाम का वक्त हो रहा था, चिंटू का तबीयत अभी तक खराब था। उसकी माँ ममता चिंटू के पास बैठकर मोहन के आने का इंतजार कर रही थी। तभी मोहन आता है गणेश जी की मूर्ति लेकर। अरे चिंटू देखो तुम्हारे पापा आ गए, तुम्हारे लिए दवाई लाए होंगे, तुम अब ठीक हो जाओगे। अरे सुनिए जी वो दवाई लाए हैं तो दे दीजिए, चिंटू को खिलाना है, उसकी तबीयत काफी खराब है। लेकिन मोहन कुछ नहीं कहता है क्योंकि वो कोई दवाई लेके नहीं आया था। वो जाता है और गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करता है। अरे क्या हुआ जी, दवाई तो देते जाइए। ममता की बातें सुनकर मोहन और कुछ कह नहीं पाता है। तभी वो जैसे ही जेब में हाथ डालता है उसके हाथों में वो अंगूठी आती है, वो अंगूठी को निकालता है। अरे ये अंगूठी किस काम की, अभी मैं क्या करूँ इस अंगूठी का, मैं अपने बच्चे को ही ठीक नहीं कर पा रहा हूँ तो। हे गणपति पप्पा मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, मेरे चिंटू को स्वस्थ कर दीजिए ताकि हम सभी मिलकर आपकी पूजा कर पाए। मोहन जैसे ही अंगूठी को हाथ में रखकर ये बातें कहता है चिंटू का स्वस्थ तुरंत ही ठीक हो जाता है। चिंटू उठकर बैठ जाता है। माँ माँ मैं ठीक हो गया, मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है। क्या ये क्या कर रहे हो बेटा, क्या हो गया ऐसे अचानक से तुम ठीक हो गए? जरूर गणपति पापा का लीला है। हे गणपति पापा आपकी कृपा से मेरा चिंटू ठीक हो गया। ओ जी सुनते हो मोहन, मोहन जी सुनिए ना, देखिए ना हमारा चिंटू ठीक हो गया। मोहन ये बातें सुनकर आश्चर्य हो जाता है। वो गणपति पापा से कहता है, हे गणपति पापा आपकी कृपा अपरंपार है, आपने मेरे चिंटू को ठीक कर दिया। तभी वहाँ पर ममता और उसका बेटा चिंटू पहुँच जाते हैं। अरे देखिए ना कैसा चमत्कार हुआ, मेरा बेटा सुबह से कितना बीमार था और अचानक से ठीक हो गया। फिर मोहन आज बीते हुए सारी कहानी ममता से कहता है। अरे मुझे तो लगता है वो गणपति पापा ही थे, हमारी परीक्षा ले रहे थे, हमारा चिंटू ठीक हो गया, चलिए हम लोग गणपति पापा की अच्छे से पूजा करेंगे अब। फिर मोहन ममता और उसका बेटा चिंटू तीनों मिलकर गणपति पापा की अच्छी से पूजा करते हैं। जय गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा की जय, गणपति पापा मोरिया। सेठ जी कुछ पैसे दे दो सेठ जी, अब अनाज उगाने के लिए कुछ भी फूटी कोड़ी भी नहीं बची है, घर में खाने को अनाज नहीं है, कुछ पैसे दे दो सेठ जी मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। अरे जा जा कहाँ से कर्ज चुकाएगा, इतने दिनों से उधार लेता जा रहा है चुकाने का कोई नाम है? सेठ जी तुझे उधारी नहीं देंगे और चला जा यहाँ से। अरे नहीं नहीं सेठ जी ऐसा ना करें, प्लीज सेठ जी हमें कुछ पैसे दे दीजिए, उस पैसे से मैं अनाज उगाऊंगा और इस बार अच्छा अनाज हुआ बाजार में बेच के आपका सारा कर्ज चुका दूंगा सेठ जी। अरे सेठ जी इसकी बातों में ना आए, इसे कोई पैसा ना दे। अरे रुको रुको कमल जी मुझे बात करने दो,
अरे रवि, तुम पिछला कर्ज अभी तक नहीं चुकाए हो, ये वाला भी कर्ज लोगे, और अगर नहीं चुका पाए तो क्या करोगे? कुछ भी करूंगा सेठ जी, आपका कर्ज चुका दूंगा। देखो रवि, हम तो एक बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस करते हैं, तुम्हें एक ही शर्त पर पैसा दे सकते हैं। अगर तुम ये वादा करो कि अगर तुम ये पैसा नहीं चुका पाओ तो अपना खेत मुझे दे दोगे, उस खेत पर सिर्फ हमारा हक होगा और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा उस पर। रवि किसान कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है सेठ जी, आपको जैसा अच्छा लगे, इस बार अगर आपका कर्ज नहीं चुका पाया तो आप मेरा खेत ले लेना। अरे ये हुई ना बात, अरे कमल जी, आप रवि को पैसे दे दीजिए, ये आराम से अनाज उगाएगा और मेरा कर्ज जरूर चुकाएगा, मुझे विश्वास है इस पर। फिर कमल जी घर के अंदर जाते हैं और वहाँ से कुछ पैसे लाकर रवि को दे देते हैं। रवि उस पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे सेठ जी, मैंने कहा था इसे पैसे मत दीजिए, ये पैसे भी बर्बाद होंगे आपके। अरे नहीं नहीं कमल जी, पता तो मुझे भी है कि ये कर्ज चुका नहीं पाएगा, अब तो इसकी खेत हम हथिया लेंगे। ये है रवि किसान की बीवी रजनी, घर पर रवि का इंतजार कर रही थी, तभी रवि पहुंचता है कुछ पैसे लेकर। अरे रवि, आप कहाँ गए थे, इतनी देर लगा दी आने में। अरे रजनी, मैं सेठ जी के पास गया था कुछ पैसे मांगने, कुछ अनाज तो उगानी है, इस बार खेती तो करनी होगी ना, नहीं तो कैसे खाएंगे, हम लोगों का जीवन कैसे चलेगा। अरे रवि, आप हर बार सेठ जी से पैसे लेके आते हैं उधारी पर और आपका खेती खराब हो जाता है, हम सेठ जी का कर्ज कैसे चुकाएंगे। अरे नहीं नहीं रजनी, इस बार खेती खराब नहीं होगी, देखो मौसम कितना अच्छा है, इस बार अच्छे से खेती होगी और सेठ जी का सारा कर्ज भी चुका देंगे। तुम रहो, मैं थोड़ा सा खेत होके आता हूँ। फिर रवि अपने खेत की ओर चल पड़ता है। रवि अपने खेत पहुँचता है। अरे इस जमीन की स्थिति तो बहुत खराब है, इसे पहले ठीक करनी होगी, खेती लायक बनानी होगी, तभी इसमें हम खेती कर सकते हैं। फिर रवि एक कुदाली लेकर शुरू हो जाता है खेत को मरम्मत करने के लिए, खेती लायक बनाने के लिए काफी परिश्रम करता है खेत में और खेती लायक बनाता है। खेत में रवि बीज बो देता है। एक महीने बाद रवि खेत आता है, वो खेत को देखकर खुश हो जाता है, मौसम रवि के फेवर में था इसलिए पौधे जल्दी जल्दी निकल आए थे और काफी हेल्दी पौधे थे। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, ये पौधे इतने जल्दी निकल आए, अब तो इस बार सेठ जी का कर्ज जरूर चुका दूंगा। शाम का वक्त हो रहा था, रवि घर आता है और अपनी बीबी रजनी से कहता है, अरे रजनी, पौधे बहुत अच्छे हुए हैं, इस बार फसल बहुत अच्छी होगी, मैं जरा थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, कल सुबह फिर खेत जानी है। ठीक है ठीक है, आप जाके रेस्ट कर लीजिए। फिर रवि सोने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। इस बार रवि काफी मेहनत कर रहे हैं, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, और ऊपर वाला ने चाहा तो हम सेठ जी का सारा कर्ज इसी साल उतार देंगे। रजनी इसी कमरे में थी, तभी अचानक से मौसम का रुख बदलता है, चारों तरफ घनघोर बादल छाने लगते हैं, जोरदार बिजली कड़कने लगती है और झमाझम से बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, बिन मौसम बरसात होने लगी, इतने जोर से बादल गरज रहे हैं, क्या मैं रवि को उठाऊं? नहीं नहीं नहीं, वो दिन भर काफी मेहनत किए हैं, अभी तो थोड़ा सा आराम से सो रहे हैं, मैं नहीं उठाती उसे, सोने देती हूँ। रजनी रवि को और उठाती नहीं है और पूरी रात भर ऐसे ही झमाझम बारिश होती है। सुबह हो गई थी, रवि की नींद खुल जाती है, वो उठकर बैठता है और आवाज लगाता है अपनी बीबी को, अरे रजनी रजनी कहाँ हो, एक कप चाय तो पिला दो। अरे हाँ हाँ अभी पिलाती हूँ, अरे आपको पता है कल रात कितनी बारिश हुई थी, आप तो घोड़े बेच कर सो रहे थे। अरे क्या बोल रही हो, कल रात बारिश हुआ था, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, मेरी फसल सारी खराब हो गए होंगे, मुझे अभी खेत जाना होगा। रवि जल्दी जल्दी से उठता है और खेत की ओर भागता है। अरे 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 सुनिए सुनिए सुन। रवि जल्दी जल्दी से खेत पहुंचता है और वहां आकर देखता है कि उसके खेत में सारी फसल नष्ट हो गए हैं, बारिश के कारण सारे पौधे मर गए हैं।
अरे ये क्या हो गया, मेरे सारे फसल नष्ट हो गए, अब मैं सेठ जी का पैसा कैसे चुकाऊंगा? ये तो सेठ जी मेरा खेत ले लेंगे, अब मैं क्या करूं? रवि और कुछ समझ नहीं पाता है कि क्या किया जाए। अब तो सेठ जी उसका खेत ले ही लेंगे, क्योंकि उसके सारे फसल नष्ट हो गए थे। अब वो सेठ जी का कर्ज कैसे चुकाएगा, कुछ समझ नहीं पाता है। वो वहाँ से धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ता है। रवि किसान धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सोचते रहता है, अब और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इस रास्ते को चुनने के सिवाय, क्योंकि सेठ जी अब मेरे सारे खेत ले लेंगे, अब मैं क्या करूँगा, और कोई रास्ता बचा ही नहीं है मेरे पास। रवि ये सोचते सोचते एक नदी किनारे पहुँचता है। अब इस जीवन का क्या फायदा, जो सब कुछ खत्म हो गया है, बस और कुछ नहीं बचा है मेरे इस जीवन में। रवि कुछ गलत कदम उठाने जा रहा था कि अचानक से उसके हाथ से उसकी अंगूठी खुलकर गिर जाती है एक मटके में। अरे अंत समय में यह अंगूठी भी मेरा साथ छोड़ के जा रही है। अरे कहाँ गिर गई इस मटके में, अभी निकाल लेता हूँ। रवि जैसे ही उस मटके से अंगूठी निकालने जाता है, वो देखता है कि उस मटके में दो अंगूठी है, दोनों एक ही जैसे देखने में हैं। वो अब थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है, मेरे जैसे अंगूठी और एक, कौन इस मटके में फेंक के गया होगा, वो भी मेरे ही हाथ के साइज का, कुछ तो बात है। फिर रवि अपने जेब टटोलता है और उसके पास एक रुपये का एक सिक्का निकलता है। उस एक सिक्के को उस मटके में डाल देता है और कुछ चमत्कार होता है, वो एक सिक्का दो में बदल जाता है। रवि ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये क्या, ये कोई जादुई मटका है क्या, एक डाल रहा हूँ उसका डबल हो जा रहा है। मैं इस मटके को जल्दी से घर लेके चला जाता हूँ और रजनी को बताता हूँ इस बारे में। फिर रवि किसान उस मटके को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर में रजनी रवि का राह देख रही होती है, तभी रवि एक मटका लेकर घर पहुंचता है। अरे रवि ये क्या, आप ये मटका कहाँ से लेके आए, हमारे घर में तो बहुत सारे मटके हैं, इसका क्या काम? और अरे रजनी ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये तो एक जादुई मटका है। ये क्या कह रहे हैं आप, पागल उगल हो गए हैं क्या, दिन में गए थे रात में पागल होके घर लौटे हैं और साथ में मटका भी लाए, और मुझे भी पागल बनाना चाहते हैं क्या? अरे नहीं नहीं रजनी, अच्छा एक काम करो, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका जादू, घर में कोई भी चीज है उसे लेके आओ, मैं अभी तुम्हें दो करके दिखाता हूँ। क्या दो, मतलब उसका डबल हो जाएगा, मैं विश्वास नहीं करती हूँ, रुके रुके मैं लेके आती हूँ। फिर रजनी किचन की ओर जाती है और वहाँ से एक रोटी लेके आती है। ये लीजिए, किचन में एक ही रोटी पड़ी थी, सोचे थे हम दोनों मिलकर आधी आधी खाएंगे, आप दो कर देंगे तो पूरी पूरी खा लेंगे, अब करके दिखाइए। रुको अभी दिखाता हूँ, लाओ रोटी। रवि रजनी से वो रोटी ले लेता है और उस मटके के अंदर डाल देता है। मटके के अंदर जादू होता है, एक रोटी दो में बदल जाता है। रवि उस रोटी को निकाल कर रजनी को देते हुए कहता है, ये लो रजनी दो रोटी, अब हम लोग पूरी पूरी रोटी खाएंगे, मैंने कहा था ना ये कोई साधारण मटका नहीं जादुई मटका है, कोई भी चीज डालो डबल हो जाती है। अरे ये तो सच में जादुई मटका है, रुके रुके मैं और एक चीज लेके आती हूँ अभी। रजनी जल्दी से घर के अंदर जाती है और अपना शादी का कंगन लेके आती है और रवि को देते हुए कहती है, अरे ये लीजिए इसको डबल कीजिए, अगर ये सोने का कंगन डबल हो गया तब हम सेठ जी का कर्ज तो यूं ही तुरंत चुका देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जल्दी से कीजिए। रवि रजनी के पास से वो कंगन लेता है और उस मटके में डालता है। मटके में जाते ही वो कंगन दो में बदल जाता है और वो निकाल कर रजनी को देते हुए कहता है, ये लो रजनी तुम्हारे कंगन दो बन गए हैं। अरे लगता है ऊपर वाले ने हमारी बात सुन ली, हमारे अब गरीबी के दिन गए, अब हम लोग भी खुशी खुशी रह सकते हैं। आप जल्दी से कुछ पैसों का बंदोबस्त कीजिए और सेठ जी को देके सारा कर्ज चुका दीजिए, फिर हम लोग शांति से रहेंगे इस मटके के साथ। सेठ जी और कमल जी दोनों बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर रवि किसान आता है
एक बड़ा सा बैग लिए। अरे सेठ जी, लगता है फिर से पैसे मांगने आ गया है। अरे कमल जी, मैं पैसे मांगने नहीं, आपका कर्ज चुकाने आया हूँ। सेठ जी, ये लीजिए आपका सारा कर्ज का पैसा। सेठ जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे वाह 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 रवि, मैं जानता था कमल जी, मैं कह रहा था ना कि रवि हमारा कर्ज जल्द ही चुका देगा, लेकिन यकीन नहीं था इतना जल्दी चुका देगा। ठीक है सेठ जी, तो आपका कर्ज चुका दिया मैंने, अब मैं चलता हूँ घर। हाँ हाँ ठीक है रवि, फिर भी जब भी जरूरत पड़े मेरे पास आना, कोई भी जरूरत होगा तो। रवि वहाँ से चला जाता है और इधर सेठ जी और कमल जी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, अरे कमल जी, इसके पास इतना पैसा एक ही बार में कहाँ से आ गया? अभी तो खेती कुछ ही दिन पहले की थी, 1-1.5 महीने हुए होंगे, फसल भी ठीक से नहीं उगे हैं, कहाँ से पैसा आया? हम लोगों को पता लगाना होगा, लगता है रवि को कोई खजाना हाथ लग गया है। हाँ हाँ मुझे भी तो यही लग रहा है सेठ जी, चलिए पता लगाते हैं। क्या लालची सेठ और कमल जी दोनों इस बात का पता लगा पाएंगे कि रवि के पास इतना पैसा आखिर कहाँ से आया? क्या रवि को कोई खजाना हाथ लगा है या फिर कुछ और? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें, जल्द ही आएगा। अगर आप लोगों का काफी कमेंट आता है इस वीडियो में तो जरूर लाएंगे हम।